चलिए आज बात करते हैं 21 जून 2020, जो आप सब जानते हैं शायद कि उस दिन एक बहुत बड़ा ग्रहण है। साल का शायद पहला ऐसा ग्रहण है जो बहुत पावरफुल है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, स्पेशली हम इंडियंस के लिए। हमारे इंडिया में इट विल बी विजिबल ऑल ओवर द कंट्री, सारी जगह से आप इस ग्रहण को देख सकते हैं। Not with your naked eyes, but yes, it is there. The impact will be the same all over the India. तो अगर बात करूँ आपसे 21 जून 2020 की कि क्या क्या चेंजेस लेकर आएगा ये, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे हमारी कंट्री के अंदर, हमारे ऊपर, हमारे घर पे, हमारे अपनों पे, हमारे फैमिली मेम्बर्स पे, हमारे आस पास, क्या क्या इसका इम्पैक्ट दिखेगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे लाइफ के अंदर, क्या लेकर आ रहा है ये ग्रहण। जी हाँ, पहले मैंने वीडियो बनाई थी ल्यूनर एक्लिप्स की, जो कि हमारा 5 जून को था आई थिंक। देन अगेन इट्स देयर 21 जून सोलर एक्लिप्स, एंड इट विल बी फॉलोड बाय अगेन वन ल्यूनर एक्लिप्स विच विल आई थिंक विल बी ऑन 5th of July। सो सी 3 eclipses विद इन 1.5 months टाइम, लेस देन दैट इवन, एक महीने के अंदर अंदर 3 ग्रहण। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। मुझे शायद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद बता सकते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा विटनेस हैं इस चीज़ के, आपने भी महसूस किया है कि हमारी कितनी ज़्यादा लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, जो चीज़ों का कभी सोचा नहीं था वो भी एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। और मैंने पिछली बार भी बताया था अपनी वीडियो में कि 2020, अगर आपको मेरी वो पहली वीडियो याद हो जो मैंने 1 जनवरी 2020 में बनाई थी, मैंने तब भी यही बात कही थी आप लोगों से, राहु का साल है, बहुत कुछ दिखाएगा। अब वो क्या दिखाएगा, अच्छा दिखाएगा, बुरा दिखाएगा, ये हमारे अपने परसेप्शन पे है, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, हमारे नज़रिए पे है, हम कैसे देखते हैं। कोई कहता है लॉकडाउन कितना बुरा रहा, कितना गलत हुआ लॉकडाउन हुआ, हम लोग घरों में बंद हो गए, कैद हो गए, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये कहती हूँ कि लॉकडाउन ने हमें अपने अंदर झांकने का एक वक्त दिया, हमें पेशेंस सिखाया लॉकडाउन ने। अपने अपने कमरों में कैद होकर हम सारे नहीं बैठे रहे, एक दूसरे के साथ हमने काम कराया, हाथ बटाया, एक दूसरे को थोड़ा सा बेहतर जाना कि मेरे घर में मेरे बच्चों की नेचर एग्जैक्टली है क्या। मैंने चुपचाप बींग अ मदर देखा कि मेरे बच्चे कैसे हैं, शायद उन्होंने भी नोटिस किया होगा कि मम्मा कैसी हैं। सो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो शायद आपको नेगेटिव लगे और मुझे पॉजिटिव लगे, या मुझे पॉजिटिव नेगेटिव लगे आपको पॉजिटिव लगे। बहुत उतार चढ़ाव देखे आपने और मैंने, इकोनॉमी तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई, काम सारे ठप हो गए, लोगों के रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए, एक ही घर के अंदर 2 लोगों को बिठा दिया गया जिनमें आपस में कभी भी नहीं बनती थी, लेकिन डिस्टेंस होता था सुबह से लेकर शाम तक का, तो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल रहती थी। लेकिन अब वो 2 लोग जिनमें बिल्कुल नहीं बनती थी, वो एक ही घर में एक कमरे में कैद होकर रह गए। तो जी हाँ, प्रॉब्लम्स भी बहुत आई, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी अपनी क्लाइंट्स के थ्रू, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, हेल्थ इश्यूज़, आपस में प्यार की कमी, एक अंडरस्टैंडिंग की कमी भी बहुत देखने को मिली, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा। हम लोग कई बार बिल्कुल चुप हो गए, और अगर आप कोरोना के पेशेंट्स देखें, COVID-19 के केसेस देखें, तो आप देखिए पिछले 1 हफ्ते में क्या हो रहा है, शायद दोबारा लॉकडाउन की बात चल रही है। सो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर सिचुएशंस आर गेटिंग वर्स नाउ, इजंट इट। कितना कुछ देख लिया आपने और मैंने, अब आगे क्या लेकर आ रहा है ये साल, इसकी बात करेंगे। अगर मैं इस टॉपिक पे बोलना चाहूँ तो शायद मैं पता नहीं 3-4 वीडियोस बना दूँ, बट नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, मैं आपके पास सीधा ग्रहण पे आती हूँ। और जी हाँ, मेरा नाम है प्रिया भल्ला, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल प्रिया भल्ला द ऑप्टिमिस्ट पे। ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, और मेरे दिल में बार बार बहुत बेचैनी हो रही थी कि मैं अपने लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रही, क्योंकि बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। सो ये वीडियो लेकर आना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए बात करते हैं ग्रहण के पहले, कि ग्रहण कितने से कितने बजे है, कितना पावरफुल है, क्या इम्पैक्ट है, क्या होने वाला है कंट्री में, आपके घर में, मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में। शुरुआत करते हैं 21 जून से 2020। अगर आप टाइम की बात करें कि किस टाइम से किस टाइम तक हमारा ये ग्रहण रहेगा, सो आई टेल यू इट विल स्टार्ट एट 10:15 AM
10:15 से स्टार्ट होगा। ये गूगल पे से ही मैंने टाइम लिया है, पंचांग से ही लिया है जो मुझे पता लगा, आप लोग और सर्च कर सकते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली यही टाइमिंग है। मैं इसी को मानकर चलूँगी, जो भी मैं हवन करूँगी, पूजा पाठ करूँगी, वो मैं इसी टाइम के अकॉर्डिंगली करूँगी। 10:15 से स्टार्ट होगा और 2:04 या 5 मिनट तक रहेगा। बहुत ही लंबा ग्रहण है, ध्यान रखिएगा। अगेन आई टेल यू, बहुत ही पावरफुल से इसके इम्पैक्ट रहेंगे, और उन वीडियोस पे मत जाइएगा, इतनी राशि धनवान हो जाएंगी, इतनी राशि खराब हो जाएंगी, इतनी राशि बर्बाद हो जाएंगी। ओ माय गॉड, व्हाट नेगेटिव वर्ड्स पीपल यूज। आई एम नॉट एट ऑल नेगेटिव, माय नेम इज इटसेल्फ प्रिया भला द ऑप्टिमिस्ट। सो आई टेल यू कि अच्छा अच्छा हम कर सकते हैं, कि अच्छा है इस ग्रहण में। सबसे पहली चीज़, ग्रहण जब आता है, कोई भी एक्लिप्स आता है या कोई भी ग्रह प्लानिटरी पोजिशन बहुत वर्स हो जाती है, तो वो हमेशा हमें बताती हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से अटैच होने के लिए, लिंक होने के लिए, कनेक्ट होने के लिए, सिंक इन होने के लिए। हमें सिखाती हैं अपने आप को बेहतर तरीके से जानना कैसे है, अपने कर्मास को पहचानना कैसे है। जो आपने और मैंने कर्मास किए हैं इतने सालों में, इतने जन्मों में जो किए हैं, या इस बर्थ में जो मैं और आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो बाबू उनका चुकाना पड़ेगा। एक एक रुपया जो किसी से लिया है और एक एक दुख जो किसी को दिया है, जाने अनजाने वापस ज़रूर आएगा। सो पहचानिए वो कर्मा जो मैंने आपने किए हैं किसी के भी साथ। अभी भी वक्त है, संभल जाते हैं। संभलना ही हमारे लिए सबसे पावरफुल रेमेडी है। हर कदम को फूंक फूंक कर रखिए, जो भी आप कर रहे हैं। कोई अपना दुखी है आपसे, किसी के आंखों में आंसू दे डाले, तो पोछना भी आपने और मैंने ही है। तो ध्यान रखिए, किसी के बारे में आंखें बंद करके भी झूठ सोचा या बोला, वापस ज़रूर आएगा। जो दिया है लौट कर ज़रूर आएगा। एक भजन है ना, बार बार गुनगुनाती हूँ, जैसा कर्म करेगा तू वैसा फल पाएगा, धर्म राज की वही में वही लिखा जाएगा। तो बस वही बात है, राहु का साल है, बहुत सारे ग्रह वक्रीय हो चले हैं, रेट्रोग्रेड हैं, उल्टी चाल चलेंगे प्लैनेट्स। जब कोई प्लैनेट अच्छा खासा उल्टी चाल चलता है तो सिचुएशंस कैसे पॉजिटिव रहेंगी, मुश्किल है कहना। उन सिचुएशंस के अंदर आप कैसे पॉजिटिव रहेंगे, हो सकता है, पॉसिबल है। जब सब कुछ ही आसपास खराब है, तो क्यों ना मैं और आप पॉजिटिव रहें और मिलकर साथ दें एक दूसरे का, पॉजिटिव रहने की कसम खाएं। जो अच्छा बचा है या जो आने वाले सपने हैं उनको सजोएं, जो अच्छा है उस पर फोकस करें। खाली गिलास को कभी मत देखिए। जब तक खाली गिलास के ऊपर फोकस करते रहेंगे, तब तक ज़िंदगी आपकी हेल रहेगी, आप कभी भी कुछ अच्छा गेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ अच्छे पे फोकस करेंगे तो देखिए ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। तो चलिए बात करते हैं ग्रहण के बारे में। जी हाँ, ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा हमारा, जो सोलर इक्लिप्स है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 10:15 AM टू 2:04 PM और 2:05 PM। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये जो वक्त होता है ना जीवन में, ग्रहण का जो टाइम होता है, उस टाइम सबसे पहली चीज़ जो हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखी है, वो ये लिखी है कि हमें कुछ खाना नहीं चाहिए। जी हाँ, खाना नहीं चाहिए। अपने बॉडी के सिस्टम को बहुत ही बैलेंस रखना चाहिए, काम रखना चाहिए, एक कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट रखना चाहिए, ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, जो अच्छा है उस पर फोकस करना चाहिए। खाते कम है इस टाइम के ऊपर, लेकिन मैं आपसे कहूँगी, अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता तो खाना पहले बना के रख दीजिए। खाने में खिचड़ी खा सकते हैं, खिचड़ी बनाइए, बहुत बेटर है, पीली वाली दाल की, इट्स वेरी गुड। कुछ हल्का सा सूप बना लीजिए और उसके अंदर तुलसी ज़रूर डाल लें, तुलसी के 2 पत्ते ज़रूर डाल लें। जो हमारे ग्रहण की नेगेटिविटी है वो उस खाने में नहीं आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप पानी पीना चाहते हैं ग्रहण के टाइम में, तो कोशिश करिए कि ल्यूक वॉर्म वाटर को पिए, गर्म पानी को पिए, निवाए पानी को पिए, ठंडे पानी को नहीं पीते, नॉर्मल पानी को भी नहीं पीते। पानी हमारा दूषित हो जाता है, ग्रहण है, सूर्य देवता छुप जाएंगे, उनकी रोशनी को रोक लिया जाएगा, इट्स अ बिग थिंग। गैलेक्सी के अंदर इतनी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इतने सारे चेंजेस हैं, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, तो मैं और आप तो इतना सा, एक छोटा सा सेल है इस प्लैनेट अर्थ पे, आप और मैं तो डेफिनेटली अफेक्ट होंगे इस चीज़ से, है ना। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हमारे को ये इम्पैक्ट ज़ीरो हो जाए, नलिफाई हो जाए, हमको इम्पैक्ट ही ना रहे नेगेटिव कोई। क्या करना है, सबसे पहली चीज़, जो भी खाना खाएंगे तुलसी डाल के खाएंगे, कोशिश करें ग्रहण के टाइम पे मत खाएं, 10:15 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मत खाओ, उसके बाद बाबू खाओ। अगर नहीं कंट्रोल होता, नो वरीज,
जो भी खाते हैं पीते हैं तुलसी डालकर खा लें, ठीक है, थोड़े गैप के बाद लें, एकदम से मत खा लें. देन कम्स, आई हैव नोटेड ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू. यस, देन कम्स कि ग्रहण से पहले गुड़ और गेहूँ खरीद लें, 1.25 किलो गुड़ खरीद लें, 1.25 किलो गेहूँ खरीद लें, 1/2 किलो जो आपका मन करे आप कर लें, 250 ग्राम गुड़ खरीद लें, 1.25 किलो गेहूँ खरीद लें, उसको अपने पास रख लें पूजा के टाइम अपने घर के अंदर, और ग्रहण खत्म होने के बाद किसी को दान कर दें, किसी नीडी को, अपने सोसाइटी के अंदर गार्ड्स को दे दें, किसी मेड को दे दें, अगले दिन दे दें, बट उसको अपने घर से बाहर रख दें ग्रहण के बाद उस पर्सन का नाम लेके, ठीक है. अगर आप दे सकते हैं इट्स वेल एंड गुड, नहीं दे सकते उसी पल तो कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन दे दें, ठीक है बाबू. इतना हो गया. नाउ कम्स, जी हाँ, आप अपने खाने के अंदर हल्दी भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है. देन अब बात करते हैं क्या पूजा करनी है बाबू. उस टाइम आप एक येलो कलर का क्लॉथ लीजिए, कॉटन का, एक पटरे के ऊपर, हमारा एक पटरा होता है जिसको हम पाटा कहते हैं, पटरा कहते हैं, उसके ऊपर रखिए उसको. एक पानी का लोटा लीजिए, खाली लोटा, खाली लोटा लीजिए पानी का, और उसमें पानी जल भर कर रखें, और एक घी का दीपक जला के रखें, प्योर घी का दीपक जला लें अच्छा सा, और उसका जला के रख लें उस पटरे के ऊपर जिसपे येलो कलर का क्लॉथ है. पानी को आप चाहे भले ही थोड़ा सा दूर रख लें, नीचे रख लें, ज़मीन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आपने क्या करना है, जो भी आपके कुल देवता का मंत्र है, कुल देवता का मंत्र होता है आपके फैमिली में जो मंत्र ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है, लाइक आई एम कनेक्टेड विद द गायत्री मंत्र, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, ओम मंत्र से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, शिव जी के मंत्र से कनेक्टेड हूँ, लक्ष्मी मंत्र से कनेक्टेड हूँ, जो मेरे दिल से निकलते हैं, विष्णु जी के मंत्र से कनेक्टेड हूँ, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ. कुछ ऐसे मंत्र हैं जो मेरी सोल से निकलते हैं, ठीक है, कोई ऐसे मंत्र, अपने धर्म से रिलेटेड मंत्र को सिलेक्ट कर लीजिए 2 या 3, और आंखें बंद करके सिर्फ उन मंत्र का जाप करिए. अगर आप कर सकते हैं तो, सारा घर बैठ के कर सकता है तो करिए, अगर आप कहते हैं प्रिया बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, डोंट वरी, आप क्या कर सकते हैं अपने उन मंत्रों की CD, अपना अपने घर में पेन ड्राइव लगा के, अपने टेप रिकॉर्डर में, अपने सिस्टम में, मोबाइल में, उन मंत्रा को रेगुलर 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज़रूर लगा के रखें अपने घर में. आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल, अपने घर के एनर्जीज को पॉजिटिव रखें, बहुत ज़रूरी है बाबू. टाइम पीरियड इज़ नॉट गुड, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता बताना कि पीरियड अच्छा नहीं चल रहा अभी, टाइम पीरियड इज़ नॉट गुड. अगर आप मुझसे पूछे तो डेफिनेटली टिल दिसंबर, बट चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहेंगी, थोड़ा सा बेटर होगा फिर ख़राब, थोड़ा सा बेटर अगेन द सेम प्रॉब्लमेटिक इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बहुत चलेंगी. इस टाइम अगर आपको घर में 2 रोटी मिल रही है ना, बस उस पर फोकस करो, और ये सांसें चल रही हैं थैंक्स टू यूनिवर्स. अगर आप सच्चे मायने में ईश्वर के बच्चे हैं, अगर आप सच्चे मायने में ईश्वर से कनेक्टेड हैं, आप अपने प्रभु पे, अपने गुरु जी पे, अपने बाबा जी पे विश्वास करते हैं, साईं बाबा पे, एनी गॉड एंड गॉडेस, अगर आपको एक सुपरनेचुरल पावर है, एनर्जी है जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, तो इस टाइम सरेंडर कर दीजिए. अपने बच्चों की शादी, अपनी बेटी की जॉब, अपने हस्बैंड की हेल्थ, अपनी हेल्थ, सब कुछ भूल जाइए. इस टाइम सिर्फ ये सोचिए कि 2 रोटी मिल रही है अपने घर पे, और मेरे प्यार करने वाले मेरे सामने बैठे हैं, काफ़ी है, और ये सांसें चल रही हैं, शुक्रिया बोलिए हर पल. ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के टाइम में. अगर आपके पास खाने को रोटी है, सिर्फ रोटी दाल, अगर आपके पास रोटी दाल है, 2 कपड़े हैं तन पे, आपके प्यार करने वाले आपको दिख रहे हैं और जिंदा हैं और आप भी सांसें ले रहे हैं, नथिंग बेटर देन दिस, बिलीव मी. अब तो छोड़ दो मोह माया, बहुत हो गया ये सोचना प्रिया मैम मेरा कोरियर नहीं मिला, प्रिया मैम वो नहीं हुआ, प्रिया मैम ये, प्रिया मैम बेटी कब जॉब लगेगी, प्रिया मैम बेटे की बच्चा कब होगा, शादी कब होगी. अरे बाबू छोड़ दो, गैलेक्सी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इतना प्लानिटरी पोजिशन, इतनी कहते ना फेवरेबल नहीं है, हमारी लाइफ सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, आसपास सब जगह तूफान है. इस टाइम भी आप इतना एंजाइटी रख सकते हो यार, आई एम सो शॉक्ड, आई एम रियली वेरी शॉक्ड आप लोगों को कई बार देख के, और कई बार परेशान भी हो जाती हूँ, क्या हो गया है लाइफ को, क्यों नहीं समझते अपनी प्रायोरिटीज लाइफ की. अरे 2 रोटी खा लो ना, सिर्फ दिसंबर तक की तो बात है, उसके बाद फिर मॉल जाएंगे, फिर घूमेंगे, फिर खुशियाँ आएंगी, फिर बच्चों की शादी करेंगे, फिर बच्चों की फैमिलीज ग्रो होंगी, फिर आप और मैं खुश होंगे, हमारे बिजनेस बढ़ेंगे, हस्बैंड का काम चलेगा, लवर से मिलेंगे, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, घरों में खुशियाँ फैलेंगी, पार्टीज होंगी, DJ चलाएंगे, डांस करेंगे, सब मस्तियाँ करेंगे, वापस ज़रूर आएंगे. लेकिन जो मैंने आपने कर्मा करे हैं उनको देखने का टाइम,
उनको समझने का टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, एनलाइटमेंट का टाइम, इवॉल्व होने का टाइम यही है. समझ जाइए सिचुएशंस आर नॉट फेवरेबल, समझ जाइए. और बार बार प्रेडिक्शन करती हूँ कि प्लैनेटरी पोजीशन वर्स है, हमारी गवर्नमेंट के लिए वर्स है, बहुत सारी डेथ्स आपको सुनने को मिलेंगी, शॉकिंग न्यूज़ आएंगी पॉलिटिशियंस की तरफ से, सेलिब्रिटीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ की डेथ होंगी, कितनी हो चुकी हैं, आगे भी होंगी, बहुत सारी शॉकिंग न्यूज़ होंगी. हमारे बॉर्डर्स के ऊपर कन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे सेप्टेम्बर से, चाइना पाकिस्तान इशू बहुत बढ़ जाएगा, क्या क्या बताऊँ, कॉम्युनल रॉइड्स बहुत होंगे, हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे अगस्त के अंदर से, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करेंगे हम और आप, क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कितना और करोगे. अगर आप इतनी एंजाइटी में रहोगे, प्रभु के आगे नहीं छोड़ोगे, अपनी अपनी सरेंडर नहीं करोगे, प्रभु से लीन नहीं रहोगे, मंत्र जाप नहीं करोगे, घर में गंगा जल नहीं छिड़कोगे, कपूर नहीं जलाओगे, कैसे समझाओ ना आप लोगों को, आप मेरे अपने हैं, सब कुछ छोड़ के भागे चली आती हूँ आपके लिए कि समझो समझो समझो. दो रोटी में खुश हो जाओ, जो है उसको फोकस करो, बच्चे की सैलरी को मत रो. अभी कितने घरों में डिप्रेशन चल रही है, अभी एक घंटे पहले हमने देखा सुशांत, सेलिब्रिटी हमारे नहीं रहे, एंड ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर, आई कॉन्ट टेल यू हाउ मच आई क्राइड, एंड देन 15 मिनट्स आई गॉट नॉर्मल, दिस इज लाइफ. बट बाबू कोई परेशानी है ना जीवन में, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, शेयर करो बाबू, अपनों से शेयर करो, क्या पता आपको कोई हेल्प करने वाला मिल जाए. थको मत, अपनों से हर दिल की बात शेयर करो. गैलेक्सी नोथल पुथल, प्लैनेट अर्थ पे प्रॉब्लम, ह्यूमन बींग्स आर, यू नो वी गाइज आर, आई थिंक वी आर सर्वाइविंग वेरी हार्ड, सर्वाइवल प्रॉब्लम हो गया है हम लोगों के लिए आजकल. इतना डिप्रेशन में केसेस आ रहे हैं, इतने डिप्रेशन के केसेस आ रहे हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, सुसाइडल. अभी थोड़ी देर पहले, दो तीन घंटे पहले, एक फीमेल का कॉल आया, फ्रिया मैम आई वॉज प्लानिंग फॉर सुसाइड, बट जैसे ही आपकी वीडियो देखी कि आप बाबू मेरे बच्चे बोल के करते हो, तो मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझसे बात की और एक घंटे बाद वो ठीक हो गई. आप समझ नहीं सकते लाइफ में कितनी बड़ी ब्लेसिंग है किसी के चेहरे पर खुशियाँ देना. आप क्यों नहीं देते, अपनी प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं शेयर करते. पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, इस टाइम पानी की बहुत कमी रहेगी बॉडी के अंदर. हॉस्पिटलाइज बहुत ज़्यादा केसेस होंगे, अभी ये मंथ बहुत प्रॉब्लमेटिक है. ग्रहण के टाइम 10 दिन पहले 10 दिन बाद बहुत प्रॉब्लमेटिक है. घर के अंदर दिया जलाओ, घर के बाहर दीपक जलाओ. कितनी मैं आपको वीडियोस बनाती हूँ कि बाबू ऐसे करो, क्या करते हो आप अगर आप अभी भी परेशान हो, क्यों सैलरी के बारे में सोच रहे हो, क्यों बॉस के बारे में सोच रहे हो, क्यों मदर लॉ आपको अभी भी परेशान कर सकती है, जब हमारे पास जीने की प्रॉब्लम बढ़ गई है, सांसें नहीं ली जाती बाहर जाके, तो क्यों नहीं समझ रहे कि हमारी प्रायोरिटी क्या है लाइफ की. आज से सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, खाने का सोचेंगे, पीने का सोचेंगे, घर के अंदर की पानी नसीब हो रहा है बस, और कुछ नहीं सोचेंगे. और रही बात ग्रहण की, तो वो 3 घंटे आप कोई मंत्र जाप करें, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मंत्र जाप करने. और हाँ, लक्ष्मी मंत्र भी कर सकते हैं. और एक और बात बता दूँ बहुत प्यारी सी, जो बहुत अच्छी है, अगर आप इस टाइम पीरियड में, ग्रहण के टाइम पीरियड में, अगर आप एक मंत्र को 108 बारी करते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू 10,000 मंत्र. ओ माई गॉड, वॉट अ ब्लेसिंग, इजंट इट. जिस मंत्र को आप सिर्फ 108 बारी जाप करते हैं, उसका आपको रिजल्ट 10,000 मंत्रों का मिलेगा. कैसे छोड़ देंगे आप ये वक्त. इतनी अच्छी हमारे को एक लाइफ के अंदर, कहते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है गैलेक्सी की तरफ से, डिवाइन एनर्जीज हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे रही हैं. चैंट करो, बाबा जी की वाणी लगाओ, बाबा जी के शब्द लगाओ, अपने प्रभु को जाप करो, अपने मंत्रास का जाप करो, बच्चों के रूम में लगा दो, धीरे करके लगा दो. अगर बच्चे नहीं सुनते, आई नो देम, दे गेट इरिटेटेड, बट मेरे बच्चों को तो अब आदत हो गई है, आप भी डालने की कोशिश करिए. बोलने दीजिए उनको जो बोलते हैं, बट मंत्र जाप ज़रूर करिए. अपने घर में हवन कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, हवन सामग्री लो और उसकी हमारे आम की लकड़ियाँ जो होती हैं हमारे हवन के लिए बहुत शुद्धि होती हैं, बहुत शुद्ध होती हैं, उनको जलाओ बस. और कुछ टेंट्रम नहीं करना, बैठ जाओ लीन होके प्रभु से और शुक्रिया करो, प्रभु तूने इतना प्यारी ज़िंदगी दी. हार जीत, ऊपर उतार चढ़ाव चलते रहेंगे. प्रभु मेरे बच्चों को मेरे सामने दिया, मेरे 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 पार्टनर मेरे साथ है, मेरी मम्मी मेरे साथ है, पापा साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, खाने को 2 रोटी दे दी, 2 कपड़े दे दिए, और क्या चाहिए प्रभु मुझे आपसे, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु. मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो प्रभु, मुझे सुकून दो, मुझे चैन दो, मुझे आराम दो प्रभु. और मैं भी आप सबके लिए यही हवन करूँगी उस दिन. अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मुझे अपने नाम नीचे लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर करूँगी. इट्स अ फ्री हवन फॉर एवरीवन.
ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, आई विल बी डूइंग दिस दिस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस हवन, जो आप एक अपने डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होंगे। मैं प्रे करूंगी आपके, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपको सुकून दे आपकी आत्मा में, और जो आपने मैंने गलत कर्मा करे हैं हम फॉरगिवनेस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने पूर्वजों से क्षमा मांगेंगे उस दिन, और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, बाबू आप कुछ नहीं करोगे, किसी चीज़ को टच नहीं करोगे, चाकू कैंची सुई धागा आपके बड़े हैं घर के अंदर, आप सबसे पहले जानते हो क्या करना है क्या नहीं करना। मंत्र जाप करो, गायत्री मंत्र करो, हनुमान चालीसा करो, दुर्गा चालीसा करो, दुर्गा स्तुति पढ़ो, कुछ भी करो जो आपके घरों में होता है बाबू, लेकिन करो ज़रूर। और रही बात उन 3 घंटों की, तो उन 3 घंटे अपने घर के पर्दे ओपन नहीं करेंगे, दरवाजे ओपन नहीं करेंगे, बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे, अपने घर के खाने में तुलसी डालेंगे, दुर्वा डाल सकते हैं, और अपने घर के माहौल को शुद्ध कर सकते हैं। आज से शुरू कर दो, आज संडे है, प्रभु का अभी से शुक्रिया करो। और इतना ज़रूर कहूँगी, आज शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रात को ज़रूर सूर्य देवता को याद करें। और 7 से 9 इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप कभी भी बैठते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं 7 से 9 रात को क्यों करना, 7 से 9 तो रात को प्लैनेट मून को याद करते हैं, आप तो सूर्य देवता को कह रहे हो। बेटा कहने की बातें हैं, सब कुछ यहाँ है और सब कुछ यहाँ है। जब आप काम डाउन होकर बैठोगे और तब कोई मंत्रा करोगे, वही काम करता है, बाकी कोई समय काम नहीं करता। तो जब भी आप आज ठंडी दिमाग से बैठे होगे रात को, कल सुबह सूर्य देवता को शुक्रिया करें, ओम नमो भगवते देवाय नमः का जाप करें, ओम सूर्याय नमः का जाप करें, ओम आदित्याय नमः का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। कितने मंत्र हैं हमारे हिंदू धर्म में, आप किसी का भी जाप कर सकते हैं, और अगर आप कोई और रिलीजन के हैं तो आप अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई जाप कर सकते हैं। इन 7 दिन, टुडे संडे एंटिल नेक्स्ट संडे, आप सिर्फ और सिर्फ जाप करेंगे। बाद में बात करेंगे नौकरी कहाँ है, बच्चा कहाँ है, हस्बैंड कहाँ है, सब कहाँ है। अरे हमारा देश डूब रहा है, हम डूब रहे हैं, हमारी एनर्जीज कितनी डिप्लीट हो रही हैं, सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इतना नेगेटिव चल रहा है, इतनी एंजाइटी, इतना डिप्रेशन, इतने मूड स्विंग्स, इतनी डिफरेंसेस ऑफ एनर्जीज, डिफरेंसेस ऑफ थॉट्स, कितनी प्रॉब्लम चल रही हैं घर घर में। अब तो मान जाओ, आई एम सो वरिड फॉर वी पीपल, मैं और आप, मुझे सबकी बहुत चिंता है। प्लीज़ मान जाओ, छोड़ दो एंजाइटी, छोड़ दो बिजनेस के जो सोचने वाली बातें, कितना कमाया कितना खोया, खोया पाया छोड़ दो प्लीज़। और जो मेरी वर्कशॉप है 21 जून को, आप लोग बहुत परेशान है कि प्रिया मैम उस दिन तो ग्रहण है कैसे करेंगे, क्या डरने की बात बेटा, सूर्य देवता को शुक्रिया करेंगे, उस दिन हमें इतनी अच्छा बुद्धि दी, इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, उनको शुक्रिया करेंगे, सूर्य देवता का, पूर्वजों का शुक्रिया करेंगे, अपने गुरुओं का शुक्रिया करेंगे, और शाम को स्टार्ट करेंगे वर्कशॉप। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आई एम देयर फॉर यू ऑल। कुछ भी आपने पूछना है सूर्य ग्रहण से रिलेटेड, जो भी आपके मन में बात है मुझसे बात करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ओम आदित्याय नमः, ओम नमः शिवाय, जो आप जाप से कनेक्टेड हैं, लीन हो जाते हैं प्रभु में, उन जाप को ज़रूर लिखें, और प्रॉमिस करें मुझसे इन 7 दिन दीन दुनिया, इस दुनियादारी के बारे में छोड़ के सिर्फ अपने और अपने बारे में सोचेंगे, अपने घर के सुख शांति के बारे में सोचेंगे। मेरी पहली वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, मैंने बहुत कुछ शेयर किया हुआ ऑलरेडी, और जो देश विदेश में होने वाला है उसके लिए प्रे करेंगे उन 3 घंटे ग्रहण के लिए, कि हमारे देश में सुकून रहे, अमन रहे, शांति रहे। और जो भी बाकी कंट्री से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बस एक लाइन कहूँगी, अपनी भारत माता पर जिसका आपने अनाज खाया है, जिसकी मिट्टी से उपजा हुआ आपने अनाज खाया है, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी बाबू, ऋण देना पड़ेगा अपनी जन्मभूमि का आपको, आज नहीं तो कल। और अगर इस समय आपने लेसन नहीं लिया ईश्वर का दिया हुआ, तो प्रभु आपको वैसे ही सिखा रहे हैं काफ़ी कुछ, बहुत लेसन वैसे ही आ रहे हैं इस जीवन में। समझ जाओ, प्रभु को शुक्रिया करना शुरू कर दो, फोकस करो जो हमारे पास अच्छा है इस जीवन में। Please focus on good and connect with higher energies. Thank you so much. I love you all. Om Namah Shivaya. Jai Mata Di. Om Sai Ram. Bas, Prabhu mein leen ho jaiye. Thank you so much.